हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। मैं हूं भगवान नायक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विनायक क्रिएशंस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने मेट्रो ट्रेन की डे पैसेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। दोस्तों, मेट्रो पैसेंजर के लिए जिन्होंने मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ निकल गया है। BMRCL यानी बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना पैसेंजर के लिए वन डे पास का इशू किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, बेंगलोर मेट्रो ने अपना पैसेंजर के लिए तीन तरह कार्ड इशू किया है। पहले वन डे पास लॉन्च हुआ था, उसके कुछ दिनों के बाद में फिर 3 डेज और 5 डेज का पास को भी लॉन्च कर दिया गया है। और दोस्तों, मेट्रो में जो वन डे पास होता है वो देखने में कुछ इस तरह आप देख सकते हो। तो यह रहा है नॉर्मल कार्ड, स्मार्ट कार्ड, और उसका ऊपर कुछ स्टिकर लगा गया है जिसमें लिखा हुआ है कि वन डे पास। और दोस्तों, कार्ड के बैक साइड बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन LTD स्वच्छ भारत स्टेप टूवर्ड्स क्लीन लाइन्स, और नीचे दी गई हेल्पलाइन नंबर। और दोस्तों, 3 डेज 5 डेज पास को भी आपको इस तरह स्मार्ट कार्ड में स्टिकर लगा कर दिया जाएगा। और दोस्तों, इस कार्ड में आपको वन डे लिखा हुआ मिल जाता है, और आपको 3 डेज 5 डेज पास में आपको वहाँ पर 3 डेज और 5 डेज लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं प्राइस की बात करूँ तो आपको वन डे पास के लिए आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, जो कि टिकट है 150 रुपये। और जब आपका ट्रैवल खत्म हो जाएगा, जब आप टिकट रिटर्न करोगे तो अभी आपको 50 रुपीज़ रिफंड मिल जाएगा। सेम केस आपको 3 डेज के लिए, 3 डेज पास के लिए आपको 450 रुपये देना होगा, जो कि टिकट प्राइस है 350 रुपये, और आपको 50 रुपीज़ रिटर्न मिल जाएगा जब आप टिकट वापस करोगे उसी दिन जब आपका जर्नी खत्म हो जाएगा। सेम दोस्तों, आपको 5 डेज पास के लिए आपको 600 रुपये पेमेंट करना होगा, जो कि टिकट है 550 रुपीज़, और 50 रुपीज़ आपको रिफंड मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि अनलिमिटेड ट्रैवल करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। पूरा दिन भर आप कहीं पे भी घूम सकते हो, अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और दोस्तों, ये पास लेने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत तो नहीं है, कि आपको मोबाइल नंबर देने की ज़रूरत तो नहीं है। तो आप सिर्फ आपको 200 रुपये देना होगा वन डे पास के लिए, तो उसमें से आपको 150 रुपीज़ पास के लिए चला जाएगा और 50 रुपीज़ आपको रिफंड मिलेगा। और दोस्तों, ये जो कार्ड आपको बेंगलोर में मेट्रो में किसी भी स्टेशन पर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी भी स्टेशन पर जाकर ये कार्ड इशू कर सकते हो, जब चाहे तभी आप रिटर्न भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, ये कार्ड को लेने के लिए कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको फ़ोन नंबर भी नहीं पूछा जाएगा। जस्ट वन डे पास के लिए आपको 200 रुपये मांगा जाएगा, उसमें से आपका 150 रुपीज़ डे पास है, और जब आप कार्ड रिटर्न करोगे तभी आपको 50 रुपीज़ रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों, एग्जिट करने का टाइम पर जब आप कार्ड को गेट के सामने रखोगे यानी मशीन के ऊपर स्वाइप करोगे, तभी आपका कार्ड का जो वैलिडिटी कब तक आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ मशीन के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिस्प्ले हुआ है कि पास एक्सपायर डेट 24 अप्रैल 2022। तो दोस्तों, BMRCL जो पैसेंजर के लिए किया है ये जो इनिशिएटिव, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो, ये बहुत ही बड़ी सुविधा हो गया पैसेंजर के लिए। तो और बेंगलोर मेट्रो ने अभी तक कोई मंथली कार्ड का इशू नहीं किया है अभी तक। अगर फ्यूचर में कुछ मंथली कार्ड का इशू होता तो मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।